गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे SST की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 13 यानी कि आवर सोलर सिस्टम, इस चैप्टर का हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे। तो वो सभी बच्चे नोटबुक ओपन करें, लेकिन वर्ड मीनिंग लिखाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। क्लासमेट जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स तो हमारे बहुत होते हैं, जो हमारे साथ भी पढ़ते हैं, मतलब हमारे क्लास के भी होते हैं या दूसरे क्लास के होते हैं, ओके। तो आप सभी बच्चों को जिनको आप जानते हो आप ज़रूर बोलो कि आप प्रेजेंट रहा करो, ऑनलाइन क्लास किया करो, ओके। और ऑनलाइन क्लास मतलब प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर तक आपको वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, ओके। ये नहीं कि अटेंडेंस बनाओ और बाहर चले जाओ, मतलब वीडियो ना देखो बंद कर दो, बहुत गलत बात है। आप इसको मोबाइल और जनरल वीडियो मत समझो, आप ऐसा फील करो कि आप अपने स्कूल में अपने क्लास में बैठे हुए हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपकी लर्निंग बेहतर ढंग से हो सकेगी और आप अच्छे से सीख सकोगे दिल लगाकर, ओके। तो सभी बच्चे ऐसा फील करेंगे, और आप सभी बच्चे आजकल जान ही रहे हो कि अब से आप लोग हर क्लास में दो बार अटेंडेंस बनाते हो, फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होता है जैसे आपने अभी बनाया, और सेकंड कब जब हम लोग क्लास को एंड करते हैं और मैं आपको गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो गुड हैबिट टिप देने से पहले आप लोगों को मैं क्या बोलती हूँ अटेंडेंस बनाने के लिए, तो उस समय जो आप अटेंडेंस बनाते हो वो सेकेंड टाइम हो जाता है, यानी कि एक क्लास में दूसरी बार हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपका अटेंडेंस है, तो आप सभी बच्चे जान गए कि आपको हर क्लास में दो बार अटेंडेंस बनानी है, क्लियर। उसके बाद जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेस करवा लें, क्योंकि आप इतने बड़े हैं और आपको समझ में आ रहा है कि किताब के नहीं रहने से आपकी लर्निंग में है ना परेशानियाँ हो रही है। जैसे मैंने चैप्टर को रीड करने के लिए दिया, तो जिन बच्चों के पास किताबें थी तो उन बच्चों ने रीड कर ही लिया, लेकिन जिनके पास नहीं है उन बच्चों ने नहीं रीड किया, अब वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए तो उनका पूरा समय बेकार ही ना गया। तो इसीलिए जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें को खरीदवा लें। और हाँ, जिन बच्चों के साथ जिस जिस की कमी हो रही है, चाहे वो प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं या थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट होते हैं या किताब नहीं है, तो जो भी चीज़ अगर कमी हो रही है उस कमी को दूर कीजिए और मेरे बातों को फॉलो कीजिए और इसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, ओके। तो ये बात तो मेरी जनरल है जो कि मैं रोज़ बोलती हूँ ताकि आप इसे फॉलो करें, अपनाएं। अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई पे। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए ना, नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि आपके लिखे हुए पेज में, नोटबुक में लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो एक पेज जो हाफ पेज वाले बच्चे यानी कि जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से है ना लिखना शुरू करेंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन वर्ड में लिखाने से पहले मैं चैप्टर को एक बार रिवाइज कर दूँ कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना था, व्हाट इज सोलर सिस्टम, सौर मंडल होता क्या, सोलर सिस्टम का मीनिंग है सौर मंडल, ये क्या होता है। तो सौर मंडल है ना, सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ द सन, सोलर सिस्टम सौर मंडल सूरज का परिवार है जिसमें 8 ग्रह यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट में कौन कौन से चीज़ आते हैं, तो 8 ग्रह आता है, ड्रॉफ प्लैनेट है ना बौना ग्रह आता है, उसके बाद उसमें गैस पार्टिकल्स आते हैं, गैस आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, एस्ट्रोराइड्स होते हैं, कमेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ उसमें आते हैं। लेकिन हमें चैप्टर में सिर्फ है ना मतलब सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने 8 प्लैनेट्स जाना था कि है ना सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, कौन कौन है, तो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 ग्रह है।
और पहले है ना 9 ग्रह थे, 9 ग्रह था, लेकिन उसमें से जो प्लूटो था 9 नंबर पे उसे हटा दिया गया है, क्योंकि वो जो प्लैनेट है बहुत ही छोटा है, इसीलिए वो छोटा होने के कारण उसे है ना 8 प्लैनेट में से हटाकर सिर्फ 8 प्लैनेट कर दिए। आप यहाँ पे प्लैनेट को उसके क्रम के हिसाब से देख सकते हैं कि सन के बाद कौन कौन आता है। सन से सबसे पहले मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, अर्थ तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड प्लैनेट है, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो सब अपने अपने जगह पे स्थित है और अपनी जगह से सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करता है, घूमता है ना। उसके बाद है, हमने स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। स्टार्स देखिए, स्टार्स जो है ना ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, जलता हुआ आग का गोला है, गैस का गोला है, जिसको है ना जो तारे हैं उसको ही अपनी मतलब रोशनी है, लाइट है, मतलब हीट है और लाइट है, यानी कि अपनी गर्माहट है और लाइट रोशनी है। और ये हमें बाकी जो तारा, देखिए तारा जो है हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, ये बहुत बड़ा है लेकिन हमें दिखाई छोटा पड़ता है। तो आपको ऐसा होगा ना कि मिस तो बोल रही है इतना बड़ा, हमारे बुक में बड़ा लिखा है तो हमें दिखाई क्यों पड़ता छोटा, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। दैट मीन्स कि हमारा जो ग्रह है, जिस ग्रह पर हम रहते हैं अपने प्लैनेट यानी कि अर्थ पे, ये अर्थ से काफ़ी दूरी पे है और इसलिए दूरी होने के कारण ये हमें छोटा दिखाई पड़ता है। तो आप जानते हो ना, तो जैसे बाकी स्टार्स है उसी तरीके से सन भी एक स्टार है, सूरज भी एक तारा है। आप बोलिएगा तो ये हमें बड़ा कैसे दिखता है, तो ये सूरज है ना पृथ्वी से नज़दीक है ना, थर्ड नंबर पे, तो नज़दीक हुआ ना इसीलिए ये बड़ा दिखता है। और सूरज को अपनी रोशनी होती है और इसमें बहुत गर्माहट होता है, ओके, और ये हमें गर्मी देता है, जिस वजह से ये जो सूरज है और सूरज की रोशनी और सूरज की गर्माहट पृथ्वी पे पर्याप्त मात्रा पे पड़ती है, मिलती है, जिस वजह से पृथ्वी पे अर्थ पे लाइफ संभव है, जीवन संभव है। यानी कि ये 8 ग्रह में से सिर्फ एक अर्थ ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है, पानी है, हवा है, ओके, हवा और पानी के कारण ही इस पे जीवन है, याद रखिएगा। बाकी ग्रह में ऐसी बहुत सारी चीज़ की कमी है, पानी तो किसी ग्रह पे नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हवा है, आप ना सीनियर क्लासेस में पढ़िएगा। उसके बाद अर्थ है, जो हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ये सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पे आता है और ये सूरज की चारों तरफ परिक्रमा करता है, ये राउंड है और इसे क्या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे पानी है, इसीलिए ये पानी होने के कारण जहाँ जहाँ पे पानी है वहाँ पे ये नीला दिखता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ओके। अब है मून, आप मून के बारे में तो जानते ही हैं कि मून जो होता है हर दिन अपना आकार बदलता है, अपना शेप बदलता है, कभी ये क्या होता है तो बिग एंड राउंड होता है, कभी वेरी स्मॉल, कभी अ स्लाइस होता है, ओनली अ स्लाइस, या कभी नहीं दिखता है ना, तो कभी ये बड़ा और गोल होता है, तो कभी ये बहुत छोटा होता है, कभी बस इसका एक टुकड़ा दिखता है, तो कभी ये दिखता ही नहीं है। तो आप जान गए कि मून अपना आकार प्रतिरोज प्रतिदिन बदलता रहता है, और मून को भी अपनी रोशनी नहीं होती है ना, ये क्या करता है तो ये सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होके, प्रतिबिंबित होके पृथ्वी पे इसकी रोशनी आती है रात के समय, वो भी हल्की, ओके। और जब है ना मून नहीं दिखता है तो हम कहते हैं कि न्यू मून आने वाला है। उसके बाद जब वो मून है ना, मतलब न्यू मून आता है और वो दिखने में वो जैसा होता है ना, तो वो क्या, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून यानी कि अर्धचंद्र कहते हैं। उसके बाद जब मून है ना हाफ होता है तो वो हाफ मून कहलाता है, जब मून हाफ से ज़्यादा होता है वो गिब्बस मून कहलाता है, और जब वो मून जो होता है चांद पूरा राउंड होता है तो वो फुल मून कहलाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, ओके। अब हम चलिए इसका वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं, तो सभी बच्चे लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट है, सबसे पहले तो मैं सोलर सिस्टम लिखाऊंगी, SOLAR, सोलर, SYSTEM, सोलर सिस्टम मींस सौर, सौर परिवार भी होता है लेकिन यहाँ पे मैं सौर मंडल ही लिखाऊंगी, ओके। सेकंड है COMPRISE, कंप्रीज, कंप्रीज मींस शामिल। थर्ड है, मैं सभी प्लैनेट का मीनिंग लिखा देती हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वैसे देखिए मीनिंग जान लीजिए लेकिन हमें इंग्लिश ही, कुछ कुछ वर्ड का ऐसा होता है इंग्लिश ही बोलना चाहिए, लेकिन मैं लिखा देती हूँ।
प्लैनेट, पी एल ए एन ई टी, प्लैनेट मीन्स ग्रह। उसके बाद फोर है मर्क्यूरी, एम ई आर सी यू आर वाई, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मीन्स बुध ग्रह। देखिए मैं सबके साथ ग्रह इसलिए लिखाती हूँ तो ताकि आप समझ जाइए ये ग्रह का नेम है, ये डे का नेम नहीं है। ओके, अब हम बुध को क्या बोलते हैं, अगर हम डे में अगर बुधवार बोले तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो वो वेडनेसडे कहलाता है। ओके, याद रखिएगा। अब है फाइव, वेनस, वी ई एन यू एस, वेनस मीन्स, वेनस मीन्स शुक्र ग्रह। मेरा फाइव भी हटा है तो मैं लिखना बंद करके आप सभी बच्चों को समझा दूं। S O L A R, सोलर, S Y S T E M, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सौर मंडल। उसके बाद है C O M P R I S E, कंप्रीज, कंप्रीज में शामिल होना। उसके बाद है P L A N E T, प्लैनेट, प्लैनेट में ग्रह। मर्क्यूरी, M E R C U R Y, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में बुध ग्रह। V E N U S, वेनस, वेनस में शुक्र ग्रह। ओके, एक बार फिर से बोल दूं, फिर वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सौर मंडल या सौर परिवार भी होता है। ओके, कंपनीज, कंपनीज में शामिल, प्लैनेट, प्लैनेट में ग्रह, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में बुध ग्रह, वेनस, वेनस में शुक्र ग्रह। अब मैं वाइप करी हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। सिक्स नंबर, अर्थ मिस तो आप सभी बच्चे जानते हैं, इसलिए अर्थ का नहीं लिखाऊंगी। मार्स, एम ए आर एस, मार्स मिस मंगल ग्रह। सेवन, जुपिटर, जे यू पी आई टी ई आर, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। वरुण ग्रह। एंड टेन, नेपच्यून, एन ई पी टी यू एन ई, नेपच्यून मीन्स अरुण ग्रह। इसे भी वरुण अरुण दोनों बोलते हैं तो मैंने अरुण ही लिखा है, अरुण ग्रह। ओके, तो अभी हमारा टेन हुआ है तो मैं इसे लिखना बंद करके आपको समझा दे रही हूँ, तो सभी बच्चे समझ लीजिए। मार्स, एम ए आर एस ई, मार्स, मार्स मिस मंगल ग्रह। उसके बाद है जुपिटर, जे यू पी आई टी ई, जुपिटर, जुपिटर मिस बृहस्पति ग्रह। उसके बाद सैटर्न, एस ए टी यू आर एन, सैटर्न मिस शनि ग्रह। उसके बाद है यूरेनस, यूरेनस, यू आर ए एन यू एस, यूरेनस मिस वरुण ग्रह। एन ई पी टी यू एन ई, नेपच्यून, नेपच्यून मिस अरुण ग्रह। यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण दोनों ग्रह कहते हैं। ओके, तो मैंने एक एक ही लिखा है, फिर से एक बार बोल दूँ, फिर वाइप करके नेक्स्ट वर्ड वो लिखा दूँ। क्या है, मार्स, मार्स मिस मंगल ग्रह, जुपिटर, जुपिटर मिस बृहस्पति ग्रह, सैटर्न, सैटर्न मिस शनि ग्रह, यूरेनस, यूरेनस मिस वरुण ग्रह, नेपच्यून, नेपच्यून मिस अरुण ग्रह। अब मैं वाइप करी हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। इलेवन नंबर, वो क्या है, कंसाइडर, सी ओ एन एस आई डी ई आर ई डी, कंसाइडर, कंसाइडर मीन्स सुविचारित। उसके बाद
अपर्णा या नाटा, हटी ह्यूज, एच यू जी ई, ह्यूज मीन्स विशाल, फोर्टीन पाथ, पी ए टी एच पाथ, पाथ मीन्स पथ या रास्ता, फिफ्टीन एब्सेंस, ए बी एस ई एन सी ई। देखिए एब्सेंस का मीनिंग आप जानते हैं अनुपस्थिति, लेकिन एब्सेंस का मीनिंग यहाँ पे अनुपस्थिति नहीं है। अब क्या है वो देखिए, अनु, बस ये भी लिखा देती हूँ, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति भी होगा, एब्सेंस मीन्स क्या है, अभाव मतलब कमी। ठीक है, तो अभी 15 वर्ड हुआ है, तो मैं लिखना बंद करके आप सभी बच्चों को समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरी तरफ। क्या है, सी ओ एन एस आई डी ई आर डी, कॉन्साइडर्ड, कॉन्साइडर्ड मीन्स सुविचारित, डी डब्ल्यू ए आर एफ ड्रॉफ, ड्रॉफ मीन्स बौना या नाटा यानी कि बहुत ही छोटा, एच यू जी ई ह्यूज, ह्यूज मीन्स विशाल मतलब सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मतलब विशाल उसको कहते हैं, पाथ पी ए टी एच पाथ, पाथ मीन्स पथ या रास्ता, ए बी एस ई एन सी ई, एब्सेंस, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति या अभाव, है ना, इसके अभाव में, इसकी अनुपस्थिति में। ओके ये हो गया, फिर एक बार पढ़ दूँ ताकि वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। कॉन्साइडर्ड, कॉन्साइडर्ड मीन्स सुविचारित, ड्रॉफ, ड्रॉफ मीन्स बौना या नाटा, ह्यूज, ह्यूज मीन्स विशाल, पाथ, पाथ मीन्स पथ या रास्ता, एब्सेंस, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति या अभाव। मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड और लिखा देती हूँ। अब है 16, वो क्या है, वॉर्म्थ, डब्ल्यू ए आर एम टी एच, वॉर्म, वॉर्म इज गर्माहट या गर्मी, 17 सैटेलाइट, एस ए टी ई एल एल आई टी ई, सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, एटीन रिवॉल्व, आर ई वी ओ एल वी ई, रिवॉल्व, रिवॉल्व मीन्स घूमना या चक्कर लगाना, 19 रिफ्लेक्ट, आर ई एफ एल ई सी टी, रिफ्लेक्ट मीन्स प्रतिबिंबित करना, 19 ही हटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूं क्या है वॉर्म्थ, डब्ल्यू ए आर एम टी एच, वॉर्म्थ, वॉर्म मीन्स गर्माहट या गर्मी, सैटेलाइट, एस ए टी ई एल एल आई टी ई, सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। आप जानते हैं ना ग्रह या उपग्रह क्या होता है, तो ग्रह वो होता है जो सूरज की परिक्रमा करता है, और उपग्रह वो होता है जो ग्रहों की परिक्रमा करता है मतलब ग्रहों के चारों तरफ घूमता है। ओके,
रिवॉल्व, आर ई वी ओ एल वी ई, रिवॉल्व, रिवॉल्व मीन्स घूमना या चक्कर लगाना। उसके बाद है रिफ्लेक्ट, आर ई एफ एल ई सी टी, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मीन्स प्रतिबिंबित करना। ओके, फिर से एक बार पढ़ दूँ, फिर वाइप करके नेक्स्ट वर्ड है उसे और लिखा दूँगी। क्या है? वार्म्थ, वार्म मीन्स गर्माहट या गर्मी। सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। रिवॉल्व, रिवॉल्व मीन्स घूमना या चक्कर लगाना। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मीन्स प्रतिबिंबित करना। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड है उसे और लिखा देती हूँ। अब है 20, S L I C E, स्लाइस मीन्स टुकड़ा। या अंश, 21, C R E S, क्रिसेंट मीन्स अर्ध चांद। या नव चंद्र, ट्वेंटी टू, ये बस, GIBBOUS, गिब्बस मीन्स उभरा हुआ। बस हमारा इतना ही वर्ड है। ओके, तो मैं एक बार पढ़ के समझा दूं क्या है। SLICE, स्लाइस मीन्स टुकड़ा या अंश। CRESCENT, क्रिसेंट मीन्स अर्ध चंद या नव चंद, चंद्र, अर्ध चंद्र या नव चंद्र। GIBBOUS, गिबस, गिबस मीन्स उभरा हुआ। स्लाइस, स्लाइस मीन्स टुकड़ा या अंश। क्रिसेंट, क्रिसेंट मीन्स अर्ध चंद्र या नव चंद्र। गिबस, गिबस मीन्स उभरा हुआ। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, तो सभी बच्चे एक बार फिर से अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे कि अब मैं आपको गुड हैबिट टिप दूंगी, जो कि सेफ्टी रूल भी है। वो क्या है? नेवर ओपन द डोर फॉर अननोन पर्सन, है ना। किसी भी अपरिचित के लिए, अनजान व्यक्ति के लिए आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अगर दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है, आपके घर का मेन डोर कोई नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, तो आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको नज़र आ रहा है तो। ओके, आप घर में मम्मी है, पापा है, या घर के जो भी बड़े लोग हैं उनको बोलिए, वो जाकर दरवाज़ा खोलेंगे। क्लियर? आप दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलिएगा। सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। सिंपल सी बात है, इसलिए कि देखिए, अनजान व्यक्ति है तो वो आपके, वो हो सकता है अच्छा भी हो लेकिन बुरा भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है तो वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, आपके घर में लूटपाट कर सकता है, इसीलिए आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। जिस व्यक्ति को आप जान रहे हो पहले पूछ लो कौन है, अगर आप उनका नाम या आवाज़ पहचानते हो तो ही खोलना, वरना आप खोलना ही मत, आप मम्मी या पापा को बोलना। ओके, तो जो भी अनजान व्यक्ति है उनके लिए आप घर का मेन डोर बिल्कुल ओपन नहीं कीजिएगा। सिंपल सी बात है, ये बात को सभी बच्चे फॉलो करेंगे। तो मैं जो भी गुड हैबिट टिप देती हूँ आप सभी बच्चे फॉलो किया करें। ओके, उसे अपनाया करें। डे वन से मैंने जो भी दिया है सभी को फॉलो कीजिएगा। ओके, और एक बार फिर से मैं आपका क्या कहते हैं होमवर्क बोल दूँ, क्या है कि रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का वर्ड मीनिंग, जो कि 22 ही है, 22 ही है, ज़्यादा नहीं है, इसे याद कीजिएगा। ओके, और जो भी गुड हैबिट टिप मैंने दिया है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, खुद भी अपनाइए, दूसरों को भी बोलिए। ओके,
और ये सब अच्छी बातें हैं आपको सिखाया जा रहा, आपको नुकसान होने से, आपको हार्म पहुंचने से पहले हम बता दे रहे हैं। तो इसे आप अपनाइएगा तो हमेशा सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, अच्छे रहिएगा। तो हर एक बात को अपनाइए, जो होमवर्क है चाहे वो रिमेंबर का, रिटेन का या रीड का, उसे पूरा किया कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।